Our friends, welcome back to my channel. This is Indrasis and I hope you all are doing absolutely great. So yes, मैं और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. और ये एक्सपीरियंस है जब मैं सिक्किम राइड पे गया था, वहां पर गुरुदंगमाल द सेकेंड हाइस्ट लेक, वहां पर जाने में आने में मुझे क्या वहां पर एक्सपीरियंस हुआ था. और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो मैं अपना लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल पाऊंगा. और ये अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे आप बहुत ही इसको एंजॉय करने वाले हैं. तो वो जब कंडीशन हुआ था वहां पर, तो प्रैक्टिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इट वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ अवर माइंड. सो मुझे नियर अबाउट वन नाइट मुझे वहां पर एक्स्ट्रा लाचेन में मुझे रुकना पड़ा. और ये प्रॉब्लम हुआ था जब मैं लाचेन से गुरुदंगमाल गया, गुरुदंगमाल से वापस आने के टाइम पे मुझे हुआ. बाय हार्ट एंड सोल आई एम वेरी लकी कि मुझे जाने के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं वहां पर शायद पहुंच ही नहीं पाता. तो एनीवे वहां का रास्ता के कंडीशन तो बहुत ही खराब है. अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे है तो ऊपर आई बटन में लिंक आएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ. थोड़ा सा क्लिप अभी देख लीजिए, बाकी का क्लिप मैं बाद में दिखाऊंगा. तो ये देखिए. तो यस फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हुआ था. ये तो मतलब बोलने का और तो यस ऐसा कुछ हुआ था वहां पर. तो इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग कंडीशन. मैं शुरू से आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि शुरू से वहां पर क्या हुआ. एक्चुअली जब मैं गुरुदंगमाल गया जा रहा था, इट वॉज वेरी स्मूथ. मुझे वैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, ना तो मुझे कुछ ब्रीदिंग का इश्यू आया, ना तो मुझे कुछ एएमएस हुआ. और एएमएस यस, मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूं ये माउंटेन सिकनेस के बारे में. तो वैसा कुछ नहीं हुआ. प्रॉब्लम हुआ मेरा गाड़ी में. अभी मेरा तो आप लोग जानते हैं मैं पल्सर आरएस 200 चलाता हूं. और मैं हाल ही में जनवरी में गाड़ी लिया, मार्च अप्रैल में मैं टूर पे निकल गया. और वहां का कंडीशन उस टाइम पे फुल स्नो रहता है. बहुत जगह पे आपको स्नो मिलेगा, बहुत ही जगह, मैक्सिमम जगह पे आपको स्नो मिलेगा. और गुरुदंगमाल का लेक फुल स्नो कवर था वहां पर. आपको आई बटन में लिंक आएगा, वहां से देख पाएंगे. आप वहां से देख पाएंगे. सो बेसिकली वहां पर क्या हुआ था, जब मैं वहां से वापस आ रहा था उस टाइम पे मेरा लगभग मैं 10 किलोमीटर अवे था लाचेन पहुंचने में. मतलब मैं गुरुदंगमाल गया, वहां पर टाइम स्पेंड किया, वहां से जब वापस आ रहा था तब हेवी स्नोफॉल शुरू हो गया, हेवी स्नोफॉल. और वहां पर मुझे एक बेस कैंप में मैं रुका. बेस कैंप पे रुक के मुझे वहां पर जो आर्मी वाले रहता है वो लोग बोला कि अगर आप लोग निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए, नहीं तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है और ओवरनाइट आपको यहाँ पर रहना भी हो सकता है. तो उस टाइम पे मैंने क्या सोचा कि अभी और यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके निकल जाना अच्छा है. तो मैंने विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हार्डली वहां पर 10 मिनट या 15 मिनट में रुका था, उसके बाद मैं वहां से निकल गया. निकलने के बाद एक्चुअली मेरे साथ और कुछ फ्रेंड्स था और उन लोगों का क्या हुआ, वो R15 लेके गया था, वो लोग पीछे था. तो जब मैं वहां से गुरुदंगमाल से नीचे आ रहा था, सो समहाउ वी गेट सेपरेटेड. तो वो लोग बहुत पीछे हो गया था और स्नोफॉल के वजह से मैं जितना हो सका मैं आगे खींच लिया. सो इसके टाइम पे क्या हुआ, जब मैं नियर अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे था, 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लाचेन, उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा गाड़ी का एक्सेलेरेटर फुल काम कर रहा था. हो गया. अभी वहां पर क्या हुआ, मैं देख रहा हूं कि एक्सेलेरेटर फुल हो रहा है, एक्सेलेरेटर का टैकोमीटर फुल आपका मैक्सिमम तक जा रहा है. प्रॉब्लम हो रहा है मेरा वहां पर गाड़ी का पिकअप नहीं ले रहा है. यार ऐसा प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं किया कि एक्सेलेरेटर दे रहा हूं गाड़ी का पिकअप नहीं ले रहा है. अगर आपको इस प्रॉब्लम का पता है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो और
देखते हैं कितना जन को यह प्रॉब्लम मालूम है। आई होप सबको मालूम होगा, पर मुझे मालूम नहीं था। यस, मुझे मालूम नहीं था ये किस लिए हो रहा था। तो जैसे तैसे मैं वहां पर, मतलब कैसे, आई कैन नॉट टेल कि वहां से मैं कैसे करके अपना गाड़ी लेके आया। हाँ, वहां पर बहुत राइडर था जो पास करके चला गया, बुरा लगा। अगर उसके जगह मैं रहता तो आई वुड डेफिनेटली उनको मैं हेल्प करने का कोशिश करता। सो मुझे मालूम नहीं है, मैन टू मैन डिफर करता है, मगर एक बाइकिंग का जो कम्युनिटी है, इस एक ब्रदरहुड है, मैंने ऐसा कभी बहुत रेयर देखा हूं। तो चलिए मैं उसको साइड पे रखता हूं। दूसरा और एक बाइकर आया जो दिल्ली से वहां पर गया था अपना डोमिनर लेके, और वहां पर डोमिनर का इंजन कैसे उसका सीज हो गया। तो वो बंदा क्या हुआ, उन दो दो जन था वहां पर, तो एक जन का डोमिनर खराब हो गया, दूसरे का डोमिनर, मतलब वो अपना गाड़ी लेके आया था और एक पिकअप वैन के ऊपर अपना डोमिनर उठा के वो लोग गुरुदोमा के वहां से आ रहा था। तो बीच में वो देखा मुझे, मेरा गाड़ी वैसा खराब होके पड़ा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वो वहां पर रुका मेरे लिए। रुकने के बाद वो बहुत कोशिश किया, क्या हुआ नहीं हुआ, पर एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरा टूल किट भी कहीं पर गिर गया था। मेरा टूल किट जिसमें सब कुछ था, स्पैनर था, एवरीथिंग वहां पर था, वो टूल किट मेरा गिर गया था रास्ते में। मतलब जब मैं गुरुदोमा से वापस आ रहा था, मैंने अंधाधुंध गाड़ी चलाया, किसी भी तरफ नहीं देखा, खाली सीधा का रास्ता देखा और गाड़ी लेकर भागना शुरू किया वहां से। तो उस टाइम पे मेरा टूल बॉक्स पीछे से गिर गया। सो ये और एक पार्ट है। तो मतलब जब आपका वाट लगता है ना, तो आपको मतलब मालूम चलेगा कि यस, अभी आपका लेने वाला है कोई। सो एनीवे, उस टाइम पे क्या हुआ, वो लोग मुझे हेल्प किया, पर एवरीथिंग गॉन इन वेन। दूसरा बार क्या किया, उसका जो और एक गाड़ी था उसमें मेरा गाड़ी टो किया। तो थोड़ा देर वहां पर आने के टाइम पे वो ठीक था, एक जगह पे आया कि एक बहुत ही ऐसा शार्प टर्न था, यू टर्न था, ठीक है। तो और यू टर्न के ऊपर वहां पर असेंडिंग वे में वहां पर उसका रास्ता था, ऐसा कुछ स्लोप था और यहां से एक यू टर्न था, यू टर्न लेके ऐसा जाना पड़ेगा। उस जगह पे क्या हुआ, वो बंदा, सामने का बंदा थोड़ा ज्यादा पिकअप ले लिया और पीछे का बंदा थोड़ा स्लो पड़ गया, इसलिए जो बीच का मतलब ये था, रस्सी था, वो मेरा गाड़ी का थोड़ा जोर से खींच लिया और वो राइडर वहां पर गिर गया था। एक्चुअली क्या हुआ था, उस राइडर का वेट थोड़ा मेरे वेट से कम था, तो वो राइडर बोला कि मैं अपना गाड़ी, आपका गाड़ी मैं पीछे मैं बैठता हूँ, आप कार में बैठ जाइए। तो वहां पर वो मैं उसका कार पे बैठ गया और वो मेरा गाड़ी लेके आगे आगे जा रहा था, उसी समय मेरा गाड़ी गिर गया। तो ये देख के तो मतलब और कुछ नहीं हो सकता, जो भी है वो लोग, और ऊपर से बारिश और ठंडा, मतलब आप सोचिए कि कंडीशन क्या था। तो प्रैक्टिकली अगर कोई वहां पर रहेगा तो ही मतलब यू कैन रियली फील द सिचुएशन। और ऊपर से मैं उन लोगों को बोला ठीक है, आप लोग बहुत हेल्प किए, एंड जैसे तैसे लगभग 2-3 किलोमीटर और मैं आगे आया, नियर अबाउट अभी 7 किलोमीटर्स वहां से मुझे जाना था। अभी क्या हुआ, वो 7 किलोमीटर्स में और एक दो, मतलब 2-3 किलोमीटर भी और था जहां पर आपको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो वो गाड़ी लेके मैंने कोशिश किया जितना भी हो सके, मैंने उसको बोला कि थैंक यू, मुझे अभी जैसे होगा मुझे इसको खींच के ले जाना पड़ेगा अपने आप से। तो मैंने वैसे ही किया, अपना गाड़ी वहां से मैंने आराम से थोड़ा थोड़ा करके ले जाना शुरू किया। टाइम लगभग हो गया था 5:30 बजे, ठीक है। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मैंने वहां पर बहुत देर तक रुका, और तब तक मेरा वो फ्रेंड R15 लेके वहां से आ गया। तो बीच में उन लोग, वो लोग भी हम लोग मेरे लिए रुके वहां पर। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं जैसे तैसे पहुंचा, रूम में पहुंचा।
क्योंकि जब आप लाचेन जाएंगे आपको ऐसा जाने के टाइम में ऐसा एक पहाड़ आता है, तो वापस आने के टाइम में आपको ऐसा मिलेगा रास्ता, तो आपको नीचे पहाड़ से उतरना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मुझे कुछ और दिक्कत नहीं हुआ, गाड़ी रोल करके मैं लेके आ गया। गाड़ी स्टार्ट हो रहा था, गाड़ी का सब कुछ ठीक था, खाली गाड़ी का पिकअप नहीं ले रहा था। मैं जैसे तैसे 5:30-6 बजे तक लाचेन पहुंचा। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत बारिश भी चालू हो गया। ऊपर से क्या हुआ, वहां का तो कुछ मैकेनिक्स नहीं है। अगर आप लोग जानते हैं तो ये बात मालूम चलेगा कि मंगन वहां पर लास्ट एरिया है, लास्ट पॉइंट है मंगन, जहां पर आपको कुछ मिलेगा, मतलब ऑयल या टेक्नीशियन कुछ मिलेगा आपको, गाड़ी आप करवा सकते हैं कुछ मेंटेनेंस का काम। तो मंगन में, मंगन है अभी 30-40 किलोमीटर दूर वहां से। तो जैसे भी हो आपको मंगन तक गाड़ी लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज नो वे। और टो करके ले जाना इतना प्रॉब्लेमेटिक है वहां पर कि यू कैन नॉट सिंपली टो योर मतलब व्हीकल, क्योंकि पहाड़ का रास्ता है, ठीक है। तो मुझे वो सेफ नहीं लगा। तो मैं आके वहां पर रूम पे आके बहुत जन को मैं फोन किया, मैंने शोरूम में भी फोन किया, टेक्नीशियन जो है उसको भी मैं फोन किया, कोई भी ठीक से मुझे बोल नहीं पा रहा कि क्या हुआ है। अभी मेरा गाड़ी भी नया है, मतलब 3 to 4 months हुआ है। अब इशू क्या है, टेक्नीशियन भी मतलब ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है, बोल रहा है कि नहीं, कैसे भी उसको नहीं देख के वो नहीं बोल पाएगा कि क्या हुआ है। सो एनीवे उस दिन मैं वहां पर रुका, मैंने बहुत जन को हेल्प करने के लिए पूछा, पर नो वे। ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, मैं कभी दूसरे टाइम में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये हुआ, वहां पर मुझे नाइट स्टे करना पड़ा लाचेन में। अगला दिन, यस, एक दिन और लाचेन का जो मेरा होटल, मैं जिस होटल पे रुका था वो होटल का मतलब ओनर बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत कोऑपरेट किया। पर एक चीज है, लाचेन में अगर आप फंसते हैं ऐसा कुछ, तो वो लोग पैसा के अलावा कुछ नहीं समझेगा आपको। पैसा अगर आपके पास है, पैसा अगर है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मतलब मुझे वो बोला था अप टू मंगन गाड़ी लेके आएगा अपने गाड़ी पे, जैसे तैसे वो गाड़ी के ऊपर में चढ़ाकर वो लेके आएगा, 10,000 रुपीज लेगा, क्योंकि 40 किलोमीटर्स उसको नीचे आना है एंड 40 किलोमीटर्स उसको फिर से ऊपर आना है, तो उसके लिए वो मुझे चार्ज करेगा 10,000 रुपीज। मैंने बोल दिया नहीं है मेरे पास, मैं 10,000 रुपीज नहीं देने वाला हूँ, मैं गाड़ी ऐसे ही लेकर जाऊंगा, 10,000 रुपीज मैं नहीं देने वाला हूँ। वो कुछ भी नहीं माना, वो लास्ट मुझे 8,000 रुपीज तक ऑफर किया है, पर मैं बोला ठीक है मैं देखता हूँ क्या होना। मैं और एक गाड़ी में उसको मतलब जो बड़ा वाला पिकअप वैन रहता है ना, सुमो टाइप का, उसमें मैंने वो गाड़ी कोशिश किया फिट करने में, मेरा एक साइड का ग्लास टूट गया, क्योंकि वो गाड़ी वहां पर फिट नहीं हुआ, मुझे वहां पर वहां से उतार लेना पड़ा। अभी मेरा फोकस है कि मुझे कैसे भी तरह उसको मंगन लेके जाना पड़ेगा, मंगन 40 किलोमीटर्स पहाड़ी रास्ता, कोल्ड, उसके ऊपर बारिश, स्लशी रोड्स, ब्रोकन रोड्स, लैंडस्लाइड्स, यस, इसी कंडीशन में मुझे गाड़ी वहां से लेके नीचे तक आना पड़ेगा, माउंटेन से ले ऊपर लाचेन से लेकर मंगन तक। वो भी कंफर्म नहीं हूं कि मंगन में कुछ अपना पार्ट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो बेसिकली वहां पर क्या हुआ, मंगन में एक, सॉरी, लाचेन में मुझे एक ट्रक मिला, एक बड़ा सा ट्रक, कुछ सामान लेके गया था वो सुबह 6:30-6:30 बजे के टाइम पे वो गया था, लाचेन से और ऊपर गया था वो, कौन सा जगह मुझे मालूम नहीं है, कुछ लेके गया था। वापस आने के टाइम पे मैंने उसको लाचेन में रुकवाया और उससे बात किया, ड्राइवर जैसे भी हो बहुत हेल्प किया मुझे, बहुत हेल्प किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, लाइफ में कभी भी मुझे मौका मिलेगा आपका कुछ हेल्प करने के लिए तो मैं जरूर करूंगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसके साथ मेरा पैसा वाला कुछ बात नहीं हुआ, गाड़ी वो बोला ठीक है मंगन तक लेके चला जाऊंगा। तो मंगन तक वो गाड़ी मेरा पीछे बांध लिया,
ट्रक के पीछे उठाया, गाड़ी बांध लिया। कैसे? ये देखिए, वीडियो देख लीजिए, गाड़ी कैसे वहां पर मैं चढ़ाया था। বাঞ্জি কর্ডগুলো না আমার হেলমেটের ভেতরে আছে, হেলমেটের ভেতরে আছে, উপরে হেলমেটের ভেতরে আছে। চাবি অন হয়ে গেছে, চাবি পর আপনি मंगन आ गया। मंगन में मुझे कुछ पार्ट्स नहीं मिला। यस, मंगन में मुझे पार्ट्स नहीं मिला, गाड़ी का पार्ट्स मुझे मंगन में नहीं मिला। तो मुझे मंगन से, मंगन हो रहा है नॉर्थ, मुझे वहां से वेस्ट आना पड़ा। और कौन सा जगह था एक्चुअली मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा जगह का नाम। तो मैंने वहां पर आके, मैं नीचे दे दूंगा आपको कौन सा किस जगह पे मैं गया था, मतलब मंगन से आगे मैं वेस्ट में गया, वेस्ट सिक्किम में, एक्सक्यूज मी, मैं वहां पर जाके गाड़ी बनवाया। ओरिजिनल पार्ट्स नहीं है, मुझे वहां पर क्या बोलते हैं उसको, डुप्लीकेट पार्ट वहां पर लगाना पड़ा। हुआ ये था, अब जाके मुझे मालूम चला, हुआ ये था मेरा क्लच प्लेट जल गया था। मेरा नया गाड़ी था, नया गाड़ी में मेरा क्लच प्लेट जल गया। अब बजाज ये कैसे हुआ, आई डोंट नो, आई सिंपली डोंट नो। वहां पर बहुत सारा नया, मतलब बहुत सारा आरएस मैंने देखा, वहां पर गाड़ी गया है फिर से वापस आ भी रहा है, मेरा गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। बाद में मुझे मालूम चला दो चीज, एक मेरा क्लच नया खरीदा था बहुत टाइट था, मेरा क्लच बहुत टाइट था, जो मेरा फर्स्ट सर्विसिंग में टेक्नीशियन कैसे भी करके उसको मिस कर गया, और वो बिल्कुल वैसा कंडीशन में नहीं था कि आपका गाड़ी पहाड़ में चलेगा। तो मेरा क्लच वहां पर बहुत टाइट था। एंड सेकेंड थिंग जो है वो है मेरा कूलेंट खत्म हो गया था, मेरा कूलेंट जल गया था। मेरा गाड़ी जाने के टाइम में इतना हीट हुआ था कि मेरा कूलेंट जल गया। वापस आने के टाइम में जैसे तैसे मैं बच गया कि मेरा इंजिन सीज नहीं हुआ, मेरा क्लच प्लेट जला, 1,000-1,500 रुपया मुझे वहां पर पे करना पड़ा, मेरा गाड़ी ऑल ओके हो गया। मेरा शायद 1100, वो बंदा कोलकाता का ही था, मुझे 1500 के आसपास बिल दिया था, मैं उसको 1100 रुपया दिया, उसमें हो गया। और वो ट्रक ड्राइवर, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे, मैं उसको, वो मुझे कुछ भी बोला नहीं पैसे के लिए, मैं अपने आप से उसको 500 रुपीज पे किया, ओनली 500 रुपीज फॉर नियर अबाउट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम लाचेन। वो मेरा गाड़ी लेके आया, खाली गाड़ी लेके आया, पर वो मुझे हेल्प किया। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल ऑफ सिक्किम कि अगर आप, मतलब सिक्किम में जाकर मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, वहां का बंदा ऐसा नहीं है, जो मैं बाकी जगह में जैसा टूरिस्ट को लूटता है वैसा नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट आई फील। अगर आपको कुछ अलग सा फीलिंग्स है तो डू शेयर, डू कमेंट, और ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। तो आखिर में मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जैसे हो अपना टूल किट, अपना स्पेयर पार्ट्स जरूर लेके जाइए, कहीं पर भी जा रहे हैं,
मैकेनिक्स आपको मंगन के ऊपर नहीं मिलेगा, पर मंगन में आपको तीन या चार, शायद चार आपका वहां पर जगह है जहां पर आप बहुत ही अच्छी तरह से काम करवा सकते हैं। अच्छा टेक्नीशियन है, काम अच्छी तरह से कर देगा, पर पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर मतलब रॉयल एनफील्ड का हो तो कोई टेंशन नहीं है, पल्सर 220 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये सब छोड़ के कुछ अलग सा बाइक है देन जरूर अपना स्पेयर पार्ट्स कैरी कीजिए, और एक मोबिल। अब मोबिल उतना जरूरी नहीं है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, पर आपका काम हो जाएगा। स्पेयर पार्ट्स जरूर लेकर जाइए, और हो सके तो अपना कुछ टूल किट में अच्छा चीज जो आपको लगेगा वैसा ही चीज लेकर जाइए। सो विद दिस आई एंड माई ब्लॉग, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। मैंने कुछ अपना फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर किया, और यस अगर अच्छा लगा तो डू गिव ए लाइक, शेयर कीजिए। अगर आपका फ्रेंड कहीं पर जा रहा है तो जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी थोड़ा चौकन्ना हो जाए और कुछ ऐसा प्रॉब्लम में ना फंसे। दिस इज इंद्रासिस साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे। यस, ईट हेल्दी, स्टे फिट, ड्राइव केयरफुल एंड राइड सेफ टू राइड टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।